नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हमारे पास है पैशन प्लस और ये है 2005 मॉडल, ठीक है ना। रेट आपने देख लिया है, 15,000 रुपये रेट रखा गया है। फिर आप ये भी सोच रहे होंगे यार कि 2005 मॉडल है, मतलब आज से 13-14 साल पुराना मोटरसाइकिल है, उसका रेट फिर भी 15,000 रुपये रखा गया है। वो उसका रीज़न है, क्योंकि आप इस बाइक को देखिए पहले, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल बाइक है, मतलब इसमें कोई भी पार्ट चेंज नहीं हुआ होगा। सारी जो उसका टैंक है और जो पीछे जो भी उसका पार्ट्स है ऊपर का बॉडी का, वो सारा सारा बिल्कुल सेम टू सेम है। जिसकी भी बाइक है ना, उसने बड़ी संभाल के रखी हुई इस बाइक को, क्योंकि इस देखने से ये थोड़ा पुराना लग रहा है, बट जब आप इसको चलाओगे ना तो बिल्कुल स्मूथ चलता है इसका इंजन। जो उसके जो व्हील्स लगे हुए हैं आगे दोनों, पहले इसमें स्पोकी व्हील्स आते थे, तो उसने वो चेंज करा के ये अलॉय व्हील्स लगवा लिए। दोनों टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आगे के और पीछे के, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इंजन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और चलने भी बहुत स्मूथ है। आपने अगर किसी की पुरानी पैशन वगैरह चलाई होगी तो आपको आइडिया होगा कि मतलब जो पैशन है उसकी जो राइड क्वालिटी है वो कैसी है। तो उस हिसाब से इस बाइक की भी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। रेट उन्होंने भले ही 15,000 रुपये रखा हो गया है, बट ये है आप जब लेने जाओगे ना तो वहाँ पर जाके नेगोशिएट कर लेना, जो भी कम होगा वो अपना आप कर देंगे आपको। तो अगर आपका बजट है यही 10 और 15,000 के आसपास, तो उसी रेंज में ही आपको ये बाइक मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो मेरे भाई पटियाला में रहते हैं वो तो कॉल कर ले और डिटेल ले ले, जाके देख भी ले, टेस्ट राइड भी ले ले। और अगर मेरा ब्रदर कोई बाहर रहता है किसी अदर स्टेट में, अगर वहाँ पे आप पैशन प्लस परचेज कर रहे हैं और इस कंडीशन में है, जैसे ये अलॉय व्हील लगे हुए हैं और ऐसे जैसे टायर देखो उसको बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इस टाइप के टायर वगैरह लगे हुए हैं, तो वो भी आपको 10 और 15 की रेंज में मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, बस ओके है बाइक देखने से, तो फिर आपको वो बाइक 8 से 10 हज़ार रुपये की रेंज में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। जैसे कि इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, चला के देखोगे फिर पता चलेगा। देख के तो बस ये बाइक ही लग रही है पुराना मॉडल है, इसलिए मॉडल के हिसाब से लोग सोचते हैं कि यार प्राइस कम होगा, पर ऐसा नहीं होता, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जब आप बाइक लेने जाओगे उसको अच्छी तरह चलाना और राइड करके देखना, और फिर उसके बाद आपको लगे कि नहीं यार जो मैं पैसे लगा रहा हूँ, आपने जो भी लगाना है 10-15 हज़ार रुपये कि इसके ऊपर लगाना ठीक है, तो ही आप बाइक खरीदना, मतलब डील करना आगे जाके, ठीक है ना। तो बस फिर आप देख लीजिए इस बाइक को, बाकी आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगली जो नेक्स्ट बाइक आएगी उसके साथ। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो ठीक है ना। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का, बाकी आपको मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।